जैसे कि आप लोग को पता है BTSC JEE काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको एक चेकलिस्ट वहाँ पे भरना होगा, और वो या आप घर से भी भर के ले जा सकते हैं या आप वहाँ पे भी भर सकते हैं। अगर आप घर से इसको निकाल करके ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं निकालते हैं या आपके पास नहीं है ये PDF, तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और वहाँ पर आप लोग ले करके आराम से भर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोग को इस वीडियो में वही प्रोसेस बताऊंगा, और मैं भर के आप लोग को दिखा रहा हूं कि इसको कैसे भरना है। डिटेल्स में मैंने पूरा भरा हूं, तो उसके आप लोग के लिए मेहनत किया हूं। आप लोग ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखिए। और लास्ट में मैंने इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जो ओरिजिनल डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, तो मैं उस दोनों का फॉर्मेट स्कैन करके इसमें सेव करके रखा हूं, तो मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में उसको दिखाऊंगा। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आप ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है तो वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको ही बेनिफिट होगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चेकलिस्ट में चार पेज में आपको भरना होगा, जो कि मैं आप लोगों को फर्स्ट पेज स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जब आप फर्स्ट पेज में आइएगा तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको सबसे पहले आपको अपना ब्रांच डालना है। तो जैसे कि आप लोग को पता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का काउंसलिंग हो गया है, तो बचा है सिविल का। तो यहाँ पे आप लोग को सिविल के जगह, सिविल को ही हिंदी में असैनिक बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को असैनिक या सिविल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग असैनिक यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को अपना डेट, जिस भी डेट को आपका काउंसलिंग है वो डेट यहाँ पर डालना है। आप लोग अगर अभी नहीं पता है आपको डेट कब है आपका काउंसलिंग, तो आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार से जो उसका लिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या मेरे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप लोग देखिए कि आपका जो डेट है वो काउंसलिंग का वो किस डेट को है। उसके बाद यहाँ पर जिस डेट को है उस डेट को यहाँ पर फिल कीजिएगा। अब आता है नाम का, तो नाम में यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि हिंदी में डालेंगे या अंग्रेजी में डालेंगे, तो आप लोग अपने नाम जो भी है उसको कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में आप लोग यहाँ पर भरिएगा। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल में यहाँ पर दिख रहा होगा जो नाम होगा आपका, ये मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। आपका जो नाम है, आपके जो सर्टिफिकेट में नाम है और आपका जो काउंसलिंग में जो एप्लीकेशन फॉर्म में नाम है सेम होना चाहिए, और उसका स्पेलिंग मैच करना चाहिए। आपको वहाँ पे देख करके सेम टू सेम आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपने पापा का नाम यहाँ पे डालना होगा, जो भी आपके सर्टिफिकेट में है वो सेम इंग्लिश लेटर में कैरेक्टर में आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद बीच में एक स्पेस छोड़ देना है। अब आता है एड्रेस का, तो एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है परमानेंट एड्रेस वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट या आधार कार्ड में है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या अपने अनुसार से जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसमें आपको यहाँ पे फिल करना है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आता है कि ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण संख्या, तो जो भी आप अपने सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन किए थे उसका प्रिंट आउट होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेना है। और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया हूँ आपको, ये कोई सही नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा कि कुछ डिजिट तक यहाँ पर पहले से डाला हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक आपको 10 तक आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा, ये पहले से फिल किया प्रिंट है। आप जब इसका प्रिंट आउट निकालिएगा तो यहाँ तक आपको पहले से ऑलरेडी फिलअप होगा, प्रिंट होगा, उसके बाद का यहाँ पे आपको डालना है। तो आप अपने अनुसार से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में होगा वो आप यहाँ पे देख करके जो अच्छे से यहाँ पे आपको डालना है। तो जब वो आप डाल लीजिएगा तो उसके बाद नेक्स्ट आता है जन्मतिथि का, तो जन्मतिथि में आप लोग को जो भी डेट ऑफ बर्थ आप अप्लाई करते टाइम दिए थे आपके सर्टिफिकेट या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसमें है कि एक चीज, यहाँ पे 19 पहले से फिल है, तो अगर आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ 1999 है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का 1999 का बाद का डेट ऑफ बर्थ है, अगर किसी का 2000 डेट ऑफ बर्थ है तो वो यहाँ पे कैसे भरेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 9 आगे में पहले से प्रिंट है और पीछे में 2 बॉक्स खाली है। तो अगर जिसका 1999 है वो डाल सकता है आराम से, 1999 से पहले जिसका है वो भी डाल सकता है, लेकिन जब 1999 के बाद 2000 आता है तो 2000 वाले को यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग या तो उस ऊपर वाले को छोड़ दे और नीचे में 2000 लिख दे, या तो आप लोग 1 को काट करके 2 बना दे और 9 को काट के 0 बना दे और यहाँ पे 00 आगे में भर दे उसमें। तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, 1 को काट के 2 बना दीजिएगा और 9 को काट के 0 बना दीजिएगा, उसी को बना दीजिएगा और
उस, या तो आप नीचे में भी लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया डेट ऑफ बर्थ का। अब उसके बाद आता है श्रेणी, कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार के कैंडिडेट अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपना कैटेगरी सामान्य, जो कि जनरल या अनरिजर्व है, वो आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। तो ये हो गया, मैं बीसी कैंडिडेट की इसमें चूज कर दिया हूँ। तो ये बस एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझाने के लिए। अब आता है डॉक्यूमेंट की, आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें अटैच कर रहे हो। तो जैसे कि फर्स्ट में है जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र। तो मैंने पिछले वीडियो में अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए और बिहार के अस्थाई या मूल निवासी के लिए एक कंप्लीट लिस्ट आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, जो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा देख करके वो वीडियो। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन कौन डॉक्यूमेंट ले जाना है अदर स्टेट के लिए और बिहार के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट में दिख जाएगा, आप लोग इसमें से यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट सबका नाम यहाँ पे लिस्ट है, आप लोग जो जो आपको ज़रूरी है, जैसे कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपने कैटेगरी के अनुसार जो भी प्रमाण पत्र आपको ज़रूरी है वो यहाँ पे देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 8 नंबर में रेड स्टार मार्क लगा हुआ है और 9 नंबर में स्टार मार्क लगा हुआ है। तो इस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं तो ये आप लोग अपना ज़रूरी है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा है, मैंडेटरी है। तो फर्स्ट से आप लोग शुरू कीजिएगा, यहाँ पे जन्म तिथि मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र आप लोग सबको लगेगा, तो ये यहाँ पे 1 नंबर में टिक लगा दीजिएगा। 2 नंबर में डिप्लोमा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अथवा प्रोविजन प्रमाण पत्र, यहाँ पे अथवा में करके है, तो ये इसमें से दोनों में से कोई एक आप लोग दे सकते हैं। अगर और करके रहता दोनों चाहिए तो आप लोग यहाँ पे दोनों देंगे, अगर अथवा में है तो आप लोग दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग दोनों साथ लेकर के जाइएगा वहाँ पे नीड के अनुसार, जो आपको ज़रूरी पड़े, जो वहाँ पे बोला जाए उसके अनुसार से आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दे करके दूसरा नंबर में टिक लगा देना है। 3 नंबर में डिप्लोमा का अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट सभी सेमेस्टर का, यहाँ पे इसमें भी टिक लगा देना है। 4 नंबर में आता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस केस में आप लोग यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हैं तो उसमें आप टिक कीजिएगा, अगर नहीं लगाए हैं तो वहाँ पे आप लोग इसको क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम फाइटर और फिजिकली हैंडीकेप्ट के लिए, 5 नंबर में फ्रीडम फाइटर के लिए, अगर आपके पास है तो यहाँ पे टिक लगाइएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास फिजिकली हैंडीकेप्ट का है तो वहाँ पे टिक लगाइएगा, नहीं है तो क्रॉस लगा दीजिएगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र बिहार के कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, और अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे लगा करके टिक मार्क यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अगर आपके पास अगर अदर स्टेट के हैं कैंडिडेट तो वहाँ पे उसको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ज़रूरी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे टिक क्रॉस लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो भी कैंडिडेट EWS से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे EWS का प्रमाण पत्र तो चाहिए ही, साथ ही आप लोग को वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आप EWS हैं तो यहाँ पे लगा कर टिक लगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो क्रॉस लगा दीजिएगा। उसके बाद ID कार्ड सबको चाहिए ही, तो इसमें आप सही लगा टिक मार्क लगा करके जो आपके पास ID कार्ड है उसमें भी यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। उसके बाद अब आता है कि 5 प्रति फोटोग्राफ का, तो वो भी आप लोग यहाँ पे टिक लगा देंगे। उसके बाद नीचे आता है कि आवेदक द्वारा दावा करने की स्थिति में सत्यापन किया जाना है। तो इसमें लिखा है कि मेरे द्वारा उपरोक्त कंडिका 7 के उपकंडिका, इसमें से आप लोग को चूज करना है कि आप लोग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं। जैसे कि मैं क्रॉस जिस में साइन लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4 में क्रॉस लगा हुआ है, 4 नंबर में क्रॉस लगा हुआ है, उसके बाद 5 नंबर में लगा है, फिर 6 नंबर में लगा है। तो ये जिस में क्रॉस लगा हुआ, जिस डॉक्यूमेंट को आप नहीं लगाए हैं उसको यहाँ पे फिल करना है। इस यहाँ पे आप लोग जिस में डॉक्यूमेंट में क्रॉस लगाए हैं उसको यहाँ पे फिल कर देना है। 4, 5, 6 और 10 नंबर का सर्टिफिकेट मैंने नहीं लगाया है और उसमें क्रॉस का मार्क लगाया, तो यही इसमें डालना है। इतना ये सारे डॉक्यूमेंट को छोड़ करके शेष सभी उपयुक्त दस्तावेज की स्व अभी प्रमाणित फोटो प्रतियां समर्पित की गई है। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज सही है। तो ये जब यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। अगर बाद में पता चलता है आप साइन किए हैं, अगर बाद में पता चलता है कि फर्जी है तो आपको उस पर एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जेल आपको यहाँ पे साइन जो किए हैं उसी के अनुसार से। तो यहाँ पे आपको साइन कर देना है, मैं अपने अनुसार से कुछ भी कर दिया हूँ, लेकिन आप लोग अपने अनुसार से जो साइन करते हैं वो साइन यहाँ पे करके उसके नीचे में या बगल में आप लोग को डेट डाल देना है, जिस डेट को आप वहाँ पे काउंसलिंग करा रहे हैं या साइन कर रहे हैं।
उसके बाद अब आता है, उसके बाद अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल और आपका जीरोक्स कॉपी, अगर उसको सही लगेगा तो यहाँ पे वो सब पदाधिकारी सब सिग्नेचर कर देंगे, उसको कुछ मिस्टेक या इरर लगता है तो यहाँ पे कोई टिप्पणी में वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड पेज में आप लोग को कनीय अभियंता का अंक सत्यापन प्रपत्र के लिए इसमें भरना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे असैनिक जो खाली बॉक्स है इसमें आप लोग को सिविल का यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें आपको यहाँ पे कुछ डिजिट पहले से प्रिंट है, कुछ डिजिट लास्ट में बचा है उसको यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना नाम डालना है, तो नाम जो भी आपका है आगे डाले थे वही आपको यहाँ पे डालना है। अब मेन आता है कि आप लोग को जो मार्क है मार्कशीट में और आप लोग अप्लाई करते टाइम कुछ में मिस्टेक हो रहा है, कुछ में इरर हो रहा है, तो इसमें आप लोग को मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे आप लोग को मार्क वो डालना है जो आप ये आपके मार्कशीट में है। आप अप्लाई करते फॉर्म में आप अगर दूसरा है तो वो आप वहाँ पे उसके लिए वहाँ के जो अधिकारी है वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। अगर आप फॉर्म में गलती भी डाले हैं तो जो आपके मार्कशीट में है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जितना परसेंट आपके मार्कशीट में है वो यहाँ पर आप डालिएगा और मार्क का जो परसेंट है उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आएगा वो यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस का अंक है तो वो यहाँ पर डालिएगा, अगर नहीं है तो इसको डैश कर दीजिएगा। और नीचे में आपको यहाँ पे टोटल जो मार्क बनता है पॉइंट, अगर आपके पास मार्क्स का 60 पॉइंट है, अगर आपके पास कार्य अनुभव का 25 पॉइंट्स है तो यहाँ पे टोटल में आपका 85 पॉइंट्स यहाँ पे बन जाएगा। तो जो आपका परसेंट है और उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में लिख देना है और इस वाले बॉक्स सब में कुछ नहीं करना है। ये वहाँ पे इस भरने के लिए जो वहाँ पे पदाधिकारी है वो आपके जो यहाँ पे मार्क्स दिए हैं इसको वेरीफाई करके इसमें डालेंगे। अगर आप यहाँ पे गलती भी डालते हैं तो वो यहाँ पे आपके मार्कशीट में जो मार्क है उसके अनुसार से वहाँ पे वो बड़ी अच्छे से वेरीफाई करते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो सही करते हैं और वो जो यहाँ पे डालेंगे वही मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए वैलिड होगा और उसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डेट डाल देना है और यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर कर देना है, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ पे जो वहाँ पे करेंगे उसी सब पदाधिकारी सब के लिए आप करना है। अब नेक्स्ट में आता है और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब आपका काउंसलिंग कम्प्लीट हो जाता है तो आपको सबसे मेन ज़रूरी बात जो है वो यही है कि ये रसीद आप लोग लेना ना भूले, ये रसीद आप लोग ज़रूर से ले लीजिए ताकि आप लोग को बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रसीद मेन चीज है, इसमें आप लोग को भर दीजिएगा नाम रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ और जो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए हैं या जीरोक्स कॉपी आप सबमिट किए हैं उसको यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा और जो जो नहीं किए हैं उसमें अनटिक लगा दीजिएगा, क्रॉस लगा दीजिएगा और कुछ भी इसमें नहीं करना है। अब आता है, मैंने आप लोग को बताया था कि जो लास्ट में मैं एक सर्टिफिकेट, कुछ को अभी भी कन्फ्यूजन है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, तो ये कॉलेज इशू करता है और किसी किसी में बोर्ड भी इशू करता है, तो ये कॉलेज से मिलता है, आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए अगर नहीं मिला है तो। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट का और इस तरह का फॉर्मेट होता है जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसका। ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का वो इसका फॉर्मेट है, इसमें मैंने डिटेल सारा हाइड कर दिया हूँ, तो बस आप लोग को दिखाने के लिए इस तरह का फॉर्मेट होता है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे फिल करना है और कैसे क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मैं इस चैनल पर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।